ये चुनावी रण के रंग हैं जो प्रचार में नजर आ रहे हैं। चुनावी रणवीरों की ताकत बढ़ाने समर्थक सेना के साथ समान विचारधारा के दल भी खुलकर मैदान में उतर रहे हैं। बरेली में मेयर चुनाव की घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के बाद अब जयंत चौधरी की पार्टी RLD भी कूद पड़ी है। सपा की तरह जयंत सेना ने भी निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर IS तोमर के समर्थन का खुला ऐलान कर दिया है। डॉक्टर तोमर के चुनावी रण में कूदते ही बरेली में समाजवादी पार्टी पहले ही उनके समर्थन में अपने प्रत्याशी संजीव सक्सेना को मैदान से हटा चुकी है। 2017 की तरह ही बरेली में भाजपा उम्मीदवार निवर्तमान मेयर डॉक्टर उमेश गौतम और दो बार बरेली के मेयर रह चुके सपा RLD समर्थित डॉक्टर IS तोमर के बीच एक बार फिर कांटे की लड़ाई होने के आसार बनते दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी और RLD का UP में पहले से गठबंधन है। पश्चिमी UP के चुनावी मोर्चे पर सपा RLD गठबंधन भाजपा को लगातार टक्कर दे रहा है। पिछले समय में हुए खटोली विधानसभा उपचुनाव में RLD सपा गठबंधन ने सीट भाजपा से छीन ली थी। उसके बाद से दोनों पार्टियां खासी उत्साहित हैं और भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर आगे की रणनीति पर काम कर रही हैं। सभी जानते हैं बरेली से निर्दलीय मेयर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर IS तोमर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। वो सन 2000 में पहली बार निर्दलीय मेयर चुनाव जरूर जीते थे, मगर उसके तुरंत बाद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। उसके बाद से अब तक वह बरेली शहर में सपा की बड़ी ताकत माने जाते हैं, मगर मेयर मुकाबले में जिस तरह डॉक्टर तोमर सपा की साइकिल पर रेस भरने की जगह निर्दल मैदान में उतरे हैं, तो ये उनकी अहम रणनीति का हिस्सा है। सूत्रों का कहना है कि डॉक्टर तोमर कैंप की प्लानिंग अपनी छवि के अनुरूप निर्दल चुनाव लड़कर उन मतदाताओं का भी समर्थन हासिल करने की है जो समाजवादी पार्टी और उसके साइकिल सिंबल पर वोट की मोहर लगाने से परहेज करते हैं। भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से पिछली बार सपा की टिकट पर चुनाव लड़े डॉक्टर IS तोमर शिकस्त खा बैठे थे। अतीत की हार से सबक लेकर डॉक्टर तोमर कैंप के चुनावी रणनीतिकार अब की बार बहुत सदे अंदाज में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। चुनावी होमवर्क की कटौती पर देखा जाए तो भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर उमेश गौतम के साथ मजबूत पार्टी संगठन और प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा राज्य और केंद्र के मंत्री समूह की बड़ी ताकत है। वहीं दूसरी ओर चुनावी तैयारियों के ट्रैक पर डॉक्टर IS तोमर भी किसी से कम नहीं है। दो बार वह बरेली के मेयर रहे हैं और शहर के हर वार्ड और गली मोहल्लों में उनकी अपनी चुनावी टीम है। इसके अलावा बरेली शहर की राजनीति में डॉक्टर्स लॉबी के इफेक्ट भी किसी से छिपे नहीं हैं। डॉक्टर तोमर न सिर्फ IMA और रोटरी जैसी नामी संस्थाओं के बरेली में प्रमुख रह चुके हैं, चुनावी मोर्चे पर शुरू से डॉक्टर तोमर का खुलकर या पर्दे के पीछे रहकर समर्थन में डॉक्टर लॉबी भी पीछे नहीं रहती है। चुनाव मैदान में सपा और RLD के भी साथ होने से डॉक्टर तोमर की ताकत और बढ़ जाती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पूरे समाजवादी संगठन के साथ राष्ट्रीय सचिव वीरपाल सिंह यादव हर वक्त कंधे से कंधा मिलाकर डॉक्टर तोमर के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। अब डॉक्टर तोमर को RLD के समर्थन के मौके पर भी वीरपाल सिंह चुनावी रणनीति में अपने दांव पेच भरते दिखाई दिए।